जैसे पूरी रेडी होके लग रही हूँ, तो आपका पैसा बचाया, टाइम खराब किया तो क्या हो गया, पैसा तो बचा है ना आपका, ठीक है उस तो। और फिर देखो इतना अच्छे से मैंने, इतना अच्छा तो नहीं, बट हाँ ठीक है, मेकअप तो थोड़ा ठीक ठाक हो गया, हेयर स्टाइल नहीं बन पाई है, कोई नहीं। चूड़ियाँ भी देखो मेरी कितनी सुंदर लग रही है। तो मैं एक्चुअली सबसे पहली बार मिलूंगी आज जहाँ एंगेजमेंट में जा रहे हैं, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा से रेडी होना पड़ा और इसलिए हम थोड़ा लेट भी हो गए। हम निकलते निकलते गुड़गांव का ट्रैफिक, अगर आप लोगों को पता होगा तो कितना ख़तरनाक होता है सुबह के टाइम पे, और आज मंडे भी था तो इतना भयंकर ट्रैफिक था। अब जाके हम उस ट्रैफिक से निकले हैं, तब जाके थोड़ा सा मूड फ्रेश हुआ है और व्लॉगिंग करने का मन हुआ है, ठीक है। तो आज का पूरा व्लॉग देखना, आपको कुछ अलग और इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगी, एक्चुअली हम जा रहे हैं मेरे ससुराल में, तो मैं वहाँ का जो भी कैसा होता है फंक्शन वगैरह ये सब आपको देखने को मिलेगा, तो कोई डिफरेंट चीज़ देखने को मिलेगी, तो उसके लिए आपको मेरा पूरा व्लॉग ये देखना पड़ेगा, ठीक है। एंड तक बने रहिए व्लॉग के साथ में। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ, ये गए हैं कुछ खाने पीने का लेने, तो वेट करते हैं क्या लेके आते हैं। तो गाइस कंटिन्यू 4 घंटे ट्रैवलिंग, ऑलमोस्ट 3:30 to 4 hours ट्रैवलिंग के बाद हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हमारी डेस्टिनेशन पे। तो बैठे बैठे भी परेशान हो जाते हैं और हो चुके हैं, बीच में हमने कोई ब्रेक भी नहीं लिया है, कंटिन्यू चलते हुए आ रहे हैं। अब बस ऐसा है कि पहुंच जाए, तो बस पहुंचने वाले हैं 10-15 मिनट और फिर हम आपको दिखाते हैं वहाँ पे कैसा फंक्शन होगा एंगेजमेंट का, ये सब आपको मेरे आज के ब्लॉग में देखने को मिलेगा, ठीक है। पर उसके लिए आपको पूरा एंड तक मेरा ब्लॉग देखना पड़ेगा। सो मिलते हैं, स्टे ट्यून। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं। फिर यहाँ पे वेलकम लेकर अंदर गए, वहाँ पे सारा जो इंग्लिश में जो भी गिफ्ट एक्सचेंज वगैरह ये सब चल रहा है। फिर फंक्शन ख़त्म हो चुका था तो हम लोग खाना खाने जा रहे थे। रेडी, अब आज है मेहंदी का फंक्शन तो हम लोग वहीं जा रहे हैं अभी। ज्योति मेरी चप्पल पहनी।